बन रहा था अकेले घूमने जाने का पार्क में, फिर प्लान चेंज हो गया कि जाएगा हमारा स्केटबोर्ड भी। अब रीमा ने प्लान चेंज कर दिया कि जाएगा उनो भी और जाएगी साइकिल भी। तो अब दो गाड़ियां जा रही हैं। अबे मेरे पे क्यों भौंक रहा है यार, मैं तो अपना बंदा हूँ यार। कह रहा है मेरे को दूसरी गाड़ी में लेके चलो, मजा नहीं आ रहा ना, गर्मी में फंसा दिया ना इन्होंने। कह रहा है कहाँ ले जा रहे हो यार। अच्छा डर गया, इसको पता है इसका वो आ गया पेट क्लिनिक। भाई साहब को ये पता है कि मेरा डॉक्टर यहाँ पे, मेरे इंजेक्शन ना लग जाए इसलिए घबरा रहा है। तो फिलहाल आज हम लोग जा रहे हैं पार्क एक्टिविटी करने के लिए बच्चों के साथ। उनो भाई की भी पार्टी आएगा नहीं सब, मिस इन मैडम के प्लान है सारे। गलत आइडिया, गलत प्लान। सिट डाउन। इस तूफान में इनको छोड़ दिया हमारे साथ। हाय उनो, उनो कॉटन कैमरा अलग अलग हो गए सारे, अब हमने पूरा गाड़ी चेंज कर दिए। उनो फाइनली साइकिल आ गई अंदर, और साइकिल को एडजस्ट करने के चक्कर में हम लोगों ने सारा सामान जो है सेट कर दिया। क्यों शिवा जी सर, और हम उनो तू भी आगे बात करने के लिए, कैसा है यार? उनो हाय, उनो थक गया है, ऐसे लग रहा है सबसे ज्यादा काम करके आए। ये यहाँ अपना पिकनिक चल रहा है। क्या लाइटिंग आ रही है, क्या लड़की चमक रही है। वैसे इतनी चमकती नहीं है, वैसे सिर्फ लाइटिंग की वजह से चमक रही है, पर एक्चुअली रीमा ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड में वो लग गया है कश्मीर के पेड़ लगे हुए हैं। कश्मीर है ना, हाँ वैसे लग रहा है। Yeah, in my बचपन I used to enjoy, मतलब साइकिलिंग मेरा सबसे फेवरेट पास्ट टाइम। वैसे तो ये आई थिंक मुझे कितना टाइम बाद दिख रहे हैं, पुदीना ट्रीट used to be my favorite जब भी I used to come back। रेसिंग का काउंट मैं दूंगा, 1, 2 and go। Excuse master, that's excuses Sarah। Liar liar pants on fire। 1, 2 and go। No tie। चलो जी हो गया रेस्ट। सारा ने तो नींद भी पूरी करी है। लो हो ले 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 ले। अरविंद पहले ही बोला था मत लेके आओ। कहाँ गया शिवा? भागा शिवा को ना उठा ले। चलो उनो लेट्स गो। ब्यूटीफुल इवनिंग स्पेंट एट दिस पार्क। फूड भी हो गया। उनो को बोल दे दोस्त लेके आओ, उनो तेरे से दोस्ती कर ले फिर काटेगा नहीं अगली बार से। डॉगी आराम से बैठे हुए, उनो कोई तंग नहीं करना। हाँ डॉग्स तो आते रहते। चलो इसे साइकिल एंड गो बाहर तक। चलो चलो जल्दी, टू मेनी पीपल यार टुडे, इतनी भीड़ लग रही है। सोते हुए चला रहे, सोते हुए पाकिस्तान का मैच देखा तभी यहाँ पे इस जगह खाली है। सारा तेजी से अब देखो बैलेंस देखना, एक तरफ जा रहा है लेफ्ट पे। यू शुड बस रिमूव दिस सारा नाउ। सारा सो रही है, खा रही है, उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा, आंखें बंद करके खा रही है। ये हो गया हमारा लंच टाइम 6 बजे। आज हम इतना लेट हो गए पार्क जाने के चक्कर में और घूमते फिरते, आज रह गया लंच बीच में। और प्लान ये था कि हम कुछ बाहर जाएंगे मूवी देखेंगे, बट कल जो स्कूल है उसकी वजह से अब क्या प्रॉब्लम हो रही है कि शो जितने भी चल रहे हैं सारे शो खत्म हो रहे हैं 11 बजे। रिमा 11 बजे फिर अभी आज का जो एक्शन है मूवी का वो कैंसिल है। ये देखो घूमे जा रहा है। ओ भाई इधर आ जा वापस, डस्टबिन पे अटैक कर रहा हूँ यार। इसको इतना अच्छा खाना, कितना अच्छा खाना पीना सब कुछ मिलता है, लेकिन ये जो डॉगी वाली हरकत है ना, इसको पता है यहाँ से डस्टबिन खुलता है, यहाँ पे खोलने के चक्कर में लगा रहता है इसको। हाँ पूरा से तो बहुत प्यार है। इसको ना उनो की जगह कूड़ा ना रखते, कूड़ो कूड़ो। सारा का भी नहीं हुआ खाना, उसने चिप्स खा खा कम से कम 4-5 पैकेट चिप्स खाए, उसने गाड़ी में भी चिप्स खाए, पार्क में भी चिप्स खाए, और कल रात को ठीक से सोई नहीं तो पार्क में सो गई। डायरेक्टली बोल रही है कि मम्मा पापा जाओ डेट पे घूम के आओ, कुछ प्लान करते बना सकते हैं। बिल्कुल मैं रेडी हूँ। देखो खाना हो गया। ये क्या आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है दोनों की? नहीं ना, क्या मुद्दा है बेटा आपको आवाज अब टेबल पे बात करते हुए? लेट्स टॉक हियर। दोनों दिख रहे हैं यहाँ से? हाँ, दोनों दिख रहे हैं। हाँ आपको क्या परेशानी? कोई परेशानी दिक्कत टेबल पे पेपर साइन करना है, कोई कुछ करना है बताओ, यहाँ हमारी जनता को बताओ। तो आपको किसी ने कोई तंग किया हो? ये सोच रहा है टेबल पे अटैक कैसे करो? कल स्पैंकिंग मिली है, जानबूझ के मिली है इसको स्पैंक। कल इसने क्या किया? मम्मी लेके आई है स्पेशली ऊन मेरे और रीमा और सारे के लिए, सबके लिए बिनीज बनाने के लिए। क्या बना? उसने क्या किया? बिनी की माँ बहन कर दी इसने, खा खू के लपेट लुपुट के उल्टा लेट के। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा उनो यहाँ से हट जा बाहर आ जा, कम उनो ऐसे कम उनो कम, इधर आ गया। तो फिर इसने मेरे को काटने की कोशिश की, कल 2 बार काटने की कोशिश की, फिर मैंने अपनी जान बचाई, इसको मैंने स्पैंक की दी 2 बट के। और फिर चलो आई विल बी बैक। गाय है ना बछड़ा, छोटा था बछड़ा, देखो यहाँ से आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ, जो बाहर घूम के आया थक गया, ये देखो कैसे सो रहा है जैसे पता नहीं पत्थर तोड़ गया है। उनो क्या हो गया? उनो और रीमा पहले ही बोल रही थी, कह रही थी ये जब ये घर आएगा ऐसे टूट के आएगा, बिकॉज पार्क में 1 घंटा खेला है भागता रहा है ये। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ऐसे सो रहे हैं भाई। उनो उनो
मॉर्निंग आया थी आपको छोजा। देखो मैंने आपको बाहर का एक सिनेरियो दिखाया था जहाँ पे उनो की क्या हालत है, यहाँ पे सायरा की देखो क्या, ये बैठे बैठे सो गए। ये और सायरा रीमा बात कर रहे थे मंदिर में, कहा आवाजें तो आ रही थी, क्या हुआ? और देखा इतनी थकी हुई थी, और ये हुआ इसलिए बिकॉज रात को लेट सोई छुट्टी के चक्कर में, और उसके बाद अभी पार्क में भी खेल कूल के, यहाँ भी बैंड रूडो का भी बैंड मिल रहा है। चलो हम लोग चल रहे हैं, हम चलते हैं, बहुत दिन हो गए स्कूटी राइड भी नहीं। मौसम ठीक है, स्वेटशर्ट डालो, स्कूटी राइड पे आइसक्रीम खा के आते हैं। नहीं गिराऊंगा, पेपर वेपर सब साइन करके जाएंगे, चलते हैं। नो हादसा, चलते हैं। प्लान चेंज हो गया, हम गाड़ी में नहीं जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। अब रिफा वाज लाइक कि नहीं जी हम चलते हैं, और यहाँ आगे रखे तो जा रहे हैं अभी पोस्ट करने के लिए। नहीं बिल्कुल नहीं, और ऐसे कभी भी आपने बिना हेलमेट के ड्राइव नहीं करनी, तो हम घर के बाहर सर्विस लेन में ऐसे जा रहे हैं, इसलिए मैं निकाल ली स्कूटी, वरना ऐसे ड्राइव भी नहीं करनी चाहिए। और ठंडी के मजे लेते हुए बाइक रेट पे, बट अब एक जो स्कूटर पे जाने में बस एक डर लगता है, गली गली में हम लोग जैसे घर के पास ही जा रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स जो है पीछे भागने के चांसेस बहुत है, शैतानी कुत्ते हैं यहाँ पे। नहीं डरा रही तो मुझे ये वाला एरिया जहाँ मैं और रीमा वॉक करने आते हैं, और यहाँ पे इतने कुत्ते हैं। तो अब हम ठंडी में गरम गरम मोमोज खाएंगे, और हमारी स्कूटर डेट पे चांद उसके स्कूटर पे ले गए ताकि मुझे कस के पकड़ सके, कैमरा जैसे पकड़ के हाथ हटा दिया। वेरी रोमांटिक। आखिरी में ये पूरे रोड पे कुत्ते कुत्ते हैं, नहीं गिर रहा यार कैमरा, और बुरा सामने, तो समझ रहे हो हमें कितने कुत्तों से बच के स्कूटर लेके आए हम यहाँ पे। आज वीट मोमोस खाने से वीट मिलेंगे, ये अकेले खा लेंगे। हाँ बहुत गर्म है यार, पहले हाथ चलाओ उसके बाद खाना शुरू। तो ये है गाइस मोमोज ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट मोमोज हियर इन नोएडा, हम जो बहुत बार आए यहाँ पे खाने के लिए, रीमा के फेवरेट। कहाँ मेरा आइसक्रीम खाने का मन था, और कहाँ मुझे मोमोज मिले। सर्दी में तो आइसक्रीम खाने का मन है यार, कोरे लगा के खाई जा रही है। पहले जो है ये यहाँ होती थी, हम लोग यहाँ पे आते थे, बहुत सही जगह में थी, क्योंकि सबसे टेस्टी चीज ना आपको खराब जगहों में मिलती है, पता ना आपको, ऐसा ना हो एक भी ना मिले। और ये मार्केट में हार्डली एक दो दुकानें होती थी, अब सारा फूड इट्स लाइक ईटिंग जॉइंट, सारी टिक्की विक्की आपके मोमोज हर जगह हो गए हैं, अंडे रोल, मतलब 50 की मार्केट तो हो गई कमाल एकदम। नहीं अब खाते हैं, मेरा मुंह जल रहा है, मुंह जल गया है। मैं मना कर रहा था रीमा को, मैंने कहा भाई इतनी चटनियां लपेट लपेट के मत खाओ, प्रॉब्लम हो जाएगी, दे चटनी पे चटनी। चले हमारी धन हमारी धनो रेडी, अब धनो पे चले। हाँ जी बेबी, तो आज की इस अमेजिंग डेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, स्कूटी डेट के बारे में? मोमोज में एक्चुअली अभी तो स्वाद स्वाद में खा गए, लेकिन पूरा का पूरा ना वो कान और नाक तो डट गल। और हम ना पहली बार ये स्कूटी पे चलते हुए व्लॉग कर रहे हैं, मुझे इतना डर लग रहा है ना, ऊपी है ये ऊपी, कोई सामान ना ले जाए उठा के यहाँ से। नया फोन। चलो जी बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखो हम घर आए हैं, और ये कर रहा है अपना बेस्ट काम जो इसको आता है, चीजों की तोड़ फाड़। पहले इसने पियानो का ऊपर से कपड़ा ले लिया, वो फाड़ रहा था, अब ये कर रहा है पूरी नींद। पता है यही क्या हुआ है, नींद अभी फ्रेश हो गया, अब इसको पता है कि पूरा दिन मैंने शाम को 2-2.5 घंटे आराम के लिए, अब मैं तोड़ फाड़ करूंगा। हाँ यही करो बेटा, अब यही करो। मेरा इतना मन करता ना कई बार बाइक लेने का, और सैटरडे संडे एक बाइकिंग वाला डे बना लूं। एक है यहाँ पे जो मेरे को लेने नहीं देती। हेलो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, हम भी थोड़ी अब पेट पूजा करते हैं खाने के बाद, थोड़ा सा रात का लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।